नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के एनएच 327 ई पर सुपौल पिपरा पथ के बगही चौक के समीप अग्निशमन की गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने अग्निशमन की गाड़ी में ही आग लगा दी। देखिए पूरी खबर। और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मृत युवक का नाम दीपक कुमार बताया गया है, जो नरहैया का रहने वाला था। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया है कि दो बाइक सवार की आमने सामने टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए। इसी दौरान तेज रफ्तार में वहां से गुजर रही अग्निशमन की गाड़ी सड़क पर घायल अवस्था में गिरे बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार दीपक कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोग मौके पर मौजूद अग्निशमन की गाड़ी में आग लगा दिया, जिससे अग्निशमन की गाड़ी धू धू कर जल गया। आक्रोशित लोग प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे और सड़क को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। इधर सदर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच में जुट गई है पुलिस। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।